सघन टीवी खोज अभियान के तहत लोगों को किया जागरूक। जनपद रामपुर में संपन्न होगा सक्रिय टीवी खोज अभियान। जनपद रामपुर में 26 फरवरी 2003 से पुनरीक्षित राष्ट्रीय शहर नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पैसिव केस फाइंडिंग के द्वारा संदिग्ध टीवी रोगों की जांच एवं इलाज किया जाता है। WHO द्वारा 2030 हेतु एंड टीवी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 तक के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान सेकेंड एंड टीवी बनाया गया है। NSP 2017 से 2025 के अंतर्गत एक्टिव केस फाइंडिंग प्राइवेट सेक्टर स्वास्थ्य सेवाओं से एकजुट होकर कार्य करने हेतु इस अभियान को चलाया जा रहा है। ये हमारा सघन टीवी रोज खोज अभियान जो है 10 जून से 22 जून तक चलेगा, और शुरू के 10 दिन हम घर घर जाके मरीजों की खोज करेंगे, जो एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां हमें टीवी के ज्यादा केस मिलने की संभावना है। उसमें हमारी 115 टीमें काम करेंगी, उसमें हमारे 23 सुपरवाइजर हैं जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वो उसको सुपरवाइज करेंगे। बलगम के लिए डिब्बी दी जाएंगी, कलेक्ट करके वो हमारे नियरेस्ट माइक्रोस्कोपी सेंटर पे उसकी जांच होगी, और उसमें अगर उम्मीद है कि अगर नहीं निकलता है तो हम लोग आगे की जांचें डॉक्टर के द्वारा, चाहे वो ट्यूबरकुलर यूनिट पे जब बैठा डॉक्टर हो या DTC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का डॉक्टर हो, वो आगे की जांचें CBNET, एक्सरे, ये सब चीज़ें करा के और भी बचे खुचे जो भी संभावना है टीवी खोजने की वो सारी पूरी की जाए। तो तहसीलों और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कैसे कवरेज किया जाए? ये हमारे ट्यूबरकुलर यूनिट 2.5 लाख की पॉपुलेशन पे बने हैं पूरे जिले में, तो हर जिले में, गाँव में, सब में है। जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है वहाँ जाके टीम काम करे। कब तक का उद्देश्य है कि इसे खत्म कर दिया जाए? अब अभी हमारी 30% पॉपुलेशन कवर हो चुकी है, यानी अगर हम रामपुर की पॉपुलेशन 26 लाख है तो हम उसकी 30% पॉपुलेशन कवर कर चुके हैं। अभी 70% हमारा बाकी है, 10% हम इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी 40% हो जाएगा, 60% यानी हम आने वाले 6 राउंड में, इस राउंड के बाद हम ये चीज़ें कवर कर लेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? किस डॉक्टर KK मिश्रा, उप जिला छोड़ो।